राधिका आप्टे के मुंबई अपार्टमेंट के अंदर यह सिर्फ उज्ज्वल की सही छाया है। बेनेडिक्ट यह सोचने में बेहतर है कि घर कैसे बदल सकता है, पैसे उस चीज में बदलने के लिए बेहतर हूँ, राधिका आप्टे ने कहा। लीश और स्टेके की शब्द हम इस स्थान के लिए नहीं उपयोग करेंगे क्योंकि राधिका आप्टे के मुंबई अपार्टमेंट में आरामदायक, कॉम्पैक्ट और घर जैसा रहने की तरह दिखता है। हम मुंबई में कब बुक करना चाहते हैं, हम आपको घर में अपना पसंदीदा कोने चुनने देंगे क्योंकि उनमें से बहुत से हैं। 32 वर्षीय अभिनेत्री अपने पति बेनेडिक्ट टेलर के साथ अपार्टमेंट शेयर करती है और इसके बारे में बताने के लिए कई कहानियां हैं। हाल ही में एक वीडियो में राधिका ने हमें अपने चतुर ढंग से किया अपार्टमेंट के आसपास दिखाया और बताया कि घर के व्यक्तित्व ने कुछ और के रूप में उनके और बेनेडिक्ट की रचनात्मकता और विचारों को दर्शाया है। बेनेडिक्ट जो अब मेरे पति हैं, ने मुझे साहस दिया क्योंकि वह बम्बई से बहुत सारे लोगों को जानते थे। उन्होंने कहा, चलो बॉम्बे को मिला और कोशिश करो और ऐसा करो, तब तक मैं श्योर इन द सिटी शुरू कर दिया था और फिर मैंने यहाँ आने और इसे अपना घर बनाने का प्रयास किया था, राधिका ने वीडियो में कहा। राधिका आप्टे का अपार्टमेंट मुंबई में है। वह अपने पति बेनेडिक्ट के साथ अपार्टमेंट साझा करती है। राधिका के घर में निजी ड्रेसिंग रूम है। उन्होंने कहा, वह कल्पना कर सकता है कि घर क्या बदल सकता है, पैसे बेहतर बनाने में बेहतर हूँ, उसने कहा। यहाँ राधिका के मुंबई अपार्टमेंट का दौरा है जिससे आप अपने घर को फिर से तैयार करना चाहते हैं। अभिनेत्री ने कहा, जब आप जागते हैं तो आपको अपने घर में हल्का होना चाहिए, जिसका घर अंतरिक्ष और प्रकृति के बारे में है। घर के चारों ओर कई पौधों के बर्तनों को याद करना मुश्किल नहीं है और यह राधिका ने कहा है। मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, मुझे बहुत से पौधे हैं क्योंकि मैं पेड़ों के ऊपर उगता हूँ। राधिका ने कहा कि उसके घर में 3 विशेष फर्नीचर हैं जो मूल रूप से अपनी दादी के थे, यहाँ तक कि धूल उन पर राधिका की याद दिलाती है। यह एक बालकनी थी जिसे मैंने लिया है। यह मेरे पसंदीदा जगहों में से एक है क्योंकि मैं इसे पूरी तरह से खोलता हूँ और इस तरह की सुंदर हवा में बम्बई होने के बावजूद आता है मानसून में। यह बेहतर है, चाय मेरी रात की चाय इन रोशनी के साथ यहाँ होती है, उसने अपनी जगह के बारे में कहा। राधिका ने कहा, मुझे लगता है कि रसोई मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक है। उन्होंने कहा, वह शायद ही कोई कपड़े हैं और मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, उसने अलमारी के असमान आवंटन के बारे में कहा। राधिका आप्टे को विभिन्न प्रकार के पेंटिंग के साथ पीली दीवार को भरने की उम्मीद है। यह मेरा छोटा छोटा ड्रेसिंग रूम है जहां मैं तैयार हूं। यह वह जगह है जहां मुझे अपने बाल मिलते हैं और कुछ घटनाओं के लिए मेकअप करते हैं या टेस्ट या ऑडिशन देखते हैं और क्या नहीं। यह मुझे मेरे निजी स्थान से दूरी मेरी काम की जगह है, इसलिए मैं तैयार हूँ और शाब्दिक रूप से बाहर निकलो हूँ, राधिका ने कहा।